स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एक मल्टीप्लिकेशन की बहुत ही इजी ट्रिक, जिससे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो कुछ ही सेकंड्स में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको कोई भी दो डिजिट के नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो हम उसे बिना मल्टीप्लिकेशन के कुछ ही सेकंड्स में कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको यही सिखाऊंगी। फर्स्ट है 23 मल्टीप्लाई बाय 11। आपको 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप जो ये नंबर है 23, आप उसको थोड़े से गैप के साथ लिखोगे। अब आपको क्या करना है, आपको इन दो नंबरों को ऐड करना है। 2 और 3 कितने होते हैं, 5, और उस 5 को आपको यहाँ बीच में लिख देना है। हो गया मल्टीप्लाई, 23 बाय 11 इक्वल टू 253। तो है ना ये बहुत इजी। तो जब भी आपको किसी भी दो डिजिट के नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगला है 36 मल्टीप्लाई बाय 11। तो आप 3 और 6 को गैप के साथ लिखोगे और 6 और 3 को ऐड करके यहाँ बीच में लिख दोगे। अब 6 और 3 कितने होते हैं, 6 और 3 होते हैं 9। तो हमारा आंसर हुआ 396। नेक्स्ट है 43 मल्टीप्लाई बाय 11। सेम ऐसे ही हम 4 और 3 को गैप के साथ लिखेंगे और 4 और 3 को प्लस करके हम यहाँ बीच में लिख देंगे। 4 और 3 होते हैं 7 और हमारा आंसर आया 473। नेक्स्ट इज 72 बाय 11। तो 7 और 2, और 7 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9। उस 9 को हम यहाँ बीच में लिख देंगे। तो जब हमने 72 को मल्टीप्लाई करा 11 से, तो हमारा आंसर आया 792। नेक्स्ट है 61 मल्टीप्लाई बाय 11। सो आप 6 और 1 यहाँ लिखोगे और 6 और 1 को ऐड करके यहाँ बीच में लिख दोगे। 6 और 1 होते हैं 7 और हमारा आंसर आया 671। अब लास्ट है 54 मल्टीप्लाई बाय 11। सो 5 और 4 हम यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करके जो आएगा उसे हम बीच में लिखेंगे। सो 5 और 4 होते हैं 9। हमारा आंसर आया 594। तो है ना स्टूडेंट्स, ये कितना इजी और कितना सिंपल। तो जब भी कभी आपको दो डिजिट के नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप उन दो डिजिट को थोड़े गैप के साथ लिखो और फिर उन्हीं को ऐड करके बीच में लिख दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। So I hope you like this video. So please like, share and subscribe my channel and we will meet in next video.